लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पूर्व मिस जम्मू रही और भोजपुरी अभिनेत्री अनारा गुप्ता फरार हैं। एसटीएफ इलाहाबाद उनकी तलाश कर रही है। उनके मुंबई स्थित फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। अनारा गुप्ता पर एक फ्रॉड कंपनी बनाकर करीब 45,000 लोगों से 200 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी करने का आरोप है। एसटीएफ इलाहाबाद के एसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया, फ्रॉड कंपनी के फाउंडर मेंबर रहे शत्रुघ्न सिंह को टीम ने शनिवार रात में अरेस्ट कर लिया है। बीते 3 दिनों के अंदर ये दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले इलाहाबाद के ओमप्रकाश यादव को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है। 2 दिसंबर को अनारा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं देश में नहीं होती। पूछताछ में पता चला है कि इस फ्रॉड कंपनी की नींव शत्रुघ्न ने ही डाली थी। इसमें बाद में इससे मिल जम्मू रही अनारा गुप्ता समेत तमाम लोग जुड़ते गए और फ्रॉड का दायरा करोड़ों में बढ़ता गया। कंपनी के बाकी वर्तमान और पूर्व निदेशकों की तलाश में यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा पुलिस को अलर्ट किया गया है। करोड़ों की ठगी के मामले में एसटीएफ ने गुरुवार को कंपनी के इलाहाबाद के निदेशक ओमप्रकाश यादव को सिविल लाइन्स के स्थित उसके ऑफिस से अरेस्ट किया गया है। एसटीएफ इलाहाबाद यूनिट के इंस्पेक्टर अजय सिंह और अतुल सिंह ने अपनी टीम के साथ शनिवार को सिविल लाइन्स में हनुमान मंदिर के पास से कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर वाराणसी के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शत्रुघ्न इन दिनों मुंबई के कांदिवली वेस्ट में रह रहा था। उससे पूछताछ में पूरी जालसाजी का पर्दाफाश हो गया। इस कंपनी ने लोगों को एक्टर अजय देवगन के नाम पर भी झांसा दिया। अक्टूबर 2017 में कंपनी ने खाता संख्याएं बदल दिए, जिसके बाद निवेश करने वाले लोगों के खातों में लाभ के पैसे आने बंद हो गए। ओम प्रकाश के मुताबिक शिकायत बढ़ने पर निवेश करने वालों से कहा कि कंपनी अजय देवगन को लेकर फिल्म दिलवाले पार्ट 2 बना रही है। इसमें करीब 35 लाख रुपए लग चुके हैं। फिल्म रिलीज होने पर लोगों को और भी ज्यादा फायदा दिया जाएगा।